कोरोना संकट के बीच दिल्ली से राहत भरी खबर आई है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 13,336 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ये आंकड़ा पिछले 26 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 12 अप्रैल को दिल्ली में 11,491 केस आए थे। कोरोना से दिल्ली में 273 मरीजों की मौत हुई, जबकि 14,738 लोग ठीक हो गए। दिल्ली में संक्रमण की दर भी घटकर अब 22% के करीब पहुंच गई है। कोरोना के घटते मामलों के बीच दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि 17 मई की सुबह तक लॉकडाउन लागू रहेगा और इस बार लॉकडाउन में और ज्यादा सख्ती बरती जाएगी। सीएम केजरीवाल ने बताया कि इस बार लॉकडाउन में मेट्रो सेवाएं भी बंद रहेंगी। इसके साथ ही शादियों को लेकर भी अलग से गाइडलाइन जारी की गई है। होटल मैरिज हॉल में शादी की इजाजत नहीं है। घर पर ही 20 लोगों की मौजूदगी में शादी समारोह हो सकते हैं। यूपी में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट देखी गई। प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 23,333 नए केस आए और 296 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना के सबसे अधिक 1,436 केस लखनऊ में आए। वहीं मेरठ में 1,425 नए मरीज मिले। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 34,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार ने 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही प्रदेश में अब 20 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चलेंगी। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं, वैक्सीनेशन के लिए छूट पहले जैसी ही जारी रहेगी। यूपी में आज से 11 और जिलों में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हुआ था और इस दौरान 7 जिलों में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा था। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के 13,548 नए मामले आए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा सरकार ने एक हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। प्रदेश में अब 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इससे पहले प्रदेश में 10 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में भी संक्रमण के नए मामलों में गिरावट देखी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के 48,401 नए मरीज मिले, जबकि कोरोना से 572 लोगों की जान गई। वहीं राजधानी मुंबई में भी ठीक होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुंबई में कोरोना के 2,403 नए केस आए, जबकि 3,375 मरीज ठीक हुए। कोरोना से मुंबई में 68 लोगों की जान गई है। गुजरात में नए कोरोना मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश में कोरोना के 11,084 नए केस आए, जबकि 14,770 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में कोरोना से 121 लोगों की जान गई। गुजरात में कोरोना के सबसे ज्यादा केस अहमदाबाद से आ रहे हैं, जहां 2800 से ज्यादा नए मरीज मिले। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 1,39,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। कर्नाटक में कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा है। प्रदेश में कोरोना के 47,930 नए मरीज मिले, जबकि 490 कोरोना मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में सबसे ज्यादा केस राजधानी बेंगलुरु में आ रहे हैं, जहां कोरोना के करीब 21,000 नए केस आए। कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए प्रदेश में आज से 14 दिनों तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट दी जाएगी। बिहार में कोरोना संक्रमण के 11,259 नए मामले आए, जबकि कोरोना से 67 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 1,10,000 से अधिक हैं। उत्तराखंड में कोरोना के चलते 180 लोगों की मौत हुई, जो एक दिन में कोरोना से मृतकों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि प्रदेश में नए कोरोना केस में गिरावट देखी गई। उत्तराखंड में कोरोना के 5,890 नए केस आए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा केस राजधानी देहरादून में आ रहे हैं, जहां 2,419 नए मरीज मिले। इस बीच सरकार ने 11 से 18 मई तक प्रदेश में सख्त कोविड कर्फ्यू लागू करने का ऐलान किया है। इस दौरान खाने पीने की दुकानें सिर्फ 1 बजे तक ही खुलेंगी।
जम्मू कश्मीर में कोरोना के 4,788 नए मामले आए हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 60 संक्रमितों की मौत हुई। इस बीच जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए आदेश के तहत यहां होने वाली शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या में कटौती की गई है। नए आदेश के तहत अब शादी समारोह में सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। हेमंत बिस्वा सरमा आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत के नाम पर मुहर लगी थी। विधायक दल की बैठक में सर्वानंद सोनोवाल ने ही उनका नाम आगे बढ़ाया, जिस पर सभी ने सहमति जताई। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद हेमंत बिस्वा सरमा ने राज्यपाल जगदीश मुखी से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के कई और नेता भी मौजूद थे। पश्चिम बंगाल में आज ममता सरकार के मंत्री शपथ लेंगे। माना जा रहा है कि टीएमसी के 43 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव न लड़ने के बावजूद अमित मित्रा मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अमित मित्रा ममता सरकार में मंत्री थे, लेकिन अधिक उम्र और खराब सेहत के चलते इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। इसके अलावा क्रिकेटर रहे मनोज तिवारी का नाम भी शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची में शामिल है। बंगाल में चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी ने 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मंत्रियों के शपथ ग्रहण से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने टीएमसी के 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई केस चलाने की इजाजत दे दी है। खास बात यह है कि जिन 4 नेताओं के खिलाफ राज्यपाल ने केस चलाने की इजाजत दी है, उनमें से 3 नेता फिराद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी और शोभन चटर्जी का नाम मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं में शामिल है। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ सालों में शारदा स्कैम और नारदा स्कैम लगातार चल रहे हैं। इन मामलों में सीबीआई जांच भी कर रही है। अलग अलग नेताओं के नाम इन मामलों में आए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला को भी लखनऊ मेदांता अस्पताल भर्ती कराया गया है। आजम खान और उनके बेटे दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं। आजम खान और उनके बेटे की तबीयत बिगड़ने के बाद सीतापुर की जेल से लखनऊ लाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। केंद्रीय मंत्री और बरेली से सांसद संतोष गंगवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर अपने संसदीय क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर चिंता जताई है। संतोष गंगवार ने सीएम को लिखे पत्र में बरेली के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वो फोन तक नहीं उठाते। संतोष गंगवार ने लिखा कि ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि रेफर किए जाने के बाद भी मरीज जब अस्पताल में जा रहा है तो उससे दोबारा जिला अस्पताल से रेफर कराकर आने को कहा जा रहा है। इससे कई मरीजों की हालत बिगड़ रही है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयिप एर्दोगन ने यरूशलेम में लगातार हो रही हिंसा को लेकर इसराइल को बताया आतंकी राष्ट्र। बोले अलक्सा मस्जिद के पास वह हमला सभी मुसलमानों के खिलाफ हमला माना जाएगा। इसराइल की राजधानी में पिछले कुछ दिनों से हो रही हिंसक झड़प को देखते हुए अरब मुल्कों के साथ साथ अमेरिका, यूरोप और संयुक्त राष्ट्र ने की है शांति की अपील। छावनी में तब्दील हुई इसराइल की राजधानी यरूशलेम। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। शनिवार को अलक्सा मस्जिद के पास हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी और इसराइली सुरक्षा बलों के बीच हुई थी झड़प। करीब 200 फिलिस्तीनी लोगों के साथ साथ सुरक्षा बलों के भी कई जवान हुए थे घायल। अमेरिका में नहीं थम रही गोलीबारी की घटनाएं। अब फ्लोरिडा के एक मॉल में हुई गोलीबारी। 2 गुटों के बीच हुई गोलीबारी में 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने मॉल खाली करवाया। हमलावरों का पता लगाने में जुटी पुलिस। हजारों की संख्या में इटली के शहर मिलान में लोगों ने लिंग और विकलांगता के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ संसद में लाए गए बिल पर विपक्ष द्वारा अड़ंगा लगाने के बाद किया प्रदर्शन। बिल में लिंग और विकलांगता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव करने पर है दंड का प्रावधान।
अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े ने बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों से भरे एक जहाज को किया जब्त। जब्त किए गए हथियारों में चीनी असॉल्ट राइफलों के साथ साथ रूस निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मशीन गन, स्नाइपर राइफल्स के अलावा मिले कई तरह के हथियार। अभी तक जहाज के मालिक का नहीं चला है पता। विक्ट्री डे के मौके पर रूस ने दिखाई अपनी सैन्य ताकत। राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर सैनिकों के साथ दिखे टैंक मिसाइल, साथ ही हवा में करतब करते दिखे रसी हवाई जहाज। इस मौके पर राष्ट्रपति पुतिन ने ली सेना की सलामी। 9 मई को हर साल रूस मनाता है विक्ट्री डे। इसी दिन 1945 में जर्मनी के सैनिकों ने रूस के सामने किया था आत्मसमर्पण। लेबर पार्टी के नेता सादिक खान को एक बार फिर लंदन का मेयर चुना गया। गुरुवार को हुए स्थानीय चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाली लेबर पार्टी को सादिक खान के लंदन का मेयर चुने जाने से मिली है काफी राहत। सादिक ने अपने प्रतिद्वंदी को 55.2% वोट हासिल कराया। पाकिस्तानी मूल के हैं सादिक खान। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चीनी अंतरिक्ष एजेंसी के गैर जिम्मेदार रवैये पर चीन को लगाई फटकार। नासा ने कहा, चीन तय मानकों के अनुरूप नहीं करता काम। चीनी रॉकेट के हिंद महासागर में गिरने पर नासा ने कही ये बात। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 32,99,000 के पार। संक्रमितों की संख्या 15,84,00,000 से ज्यादा। 13,59,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से हुए ठीक। कोरोना महामारी के खिलाफ प्रिंस हैरी, पत्नी मेगन मार्कल के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने एक म्यूजिक कंसर्ट के माध्यम से पैसे जुटाने में की मदद। कंसर्ट में कई हॉलीवुड सितारों ने बिखेरे अपने जलवे। कंसर्ट के जरिए इकट्ठा हुए पैसों से गरीब देशों के